All right, good evening everyone. Let's wait for a couple of more minutes for others to join in. Hi Prathmesh, hi Jalaj, good evening. Good evening Sanika. Great, great. Good, I hope you all are doing well. Health wise and your schedule wise. Great, Krishi, Anjali, Ujjal. All right, I think most of the students have joined in. Ayur ka bahut relevant sa doubt hai. Sir, chapter kab khatam ho raha hai? So will it be done with the chapter today itself? Like we are actually done. Thoda sa part bacha hua hai. So let's practice couple of more questions on that, and we'll be done with the chapter today. वैसे लास्ट क्लास में आई थिंक 21st वाज द मोल कंसेप्ट का क्लास ना राइट हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स देखे थे एंड इसमें मोलारिटी मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन राइट ये तीन कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए थे यूडियोमेट्री इज actually part of gaseous state chapter ke dar theek hai sometimes you find eudiometry ke questions in mole concept also but primarily it is part of gaseous state chapter aapki booklet jo hai usme bhi jab aap gaseous state chapter padhoge to usi mein ek sub topic rahega eudiometry ka to hum log tab cover karenge although it is something that we have done because eudiometry is about analysis of gases to usme ek do piece of information extra rehti hai bas kaun sa gas kaun se type ke substance se absorb hota hai otherwise like analysis of gas is something that we already have practiced some questions on theek hai so एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में और डिस्कस करता हूँ देन वी विल कंटिन्यू विद कंसंट्रेशन टर्म्स ओनली सो यहाँ पर लेट मी टेक वन ऑफ द क्वेश्चंस
आप लोग इसका आंसर बताओ। डिटरमाइन द वॉल्यूम एंड यू कैन कीप इट इन ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू वन मोल ऑफ CuSO4.5H2O such that Cu2+ concentration in final solution is 2 molar. ठीक है, टेक एन अटेम्प्ट, लेट मी नो व्हाट इज द आंसर। नहीं, ऋग्वेद प्रथमेश नॉट द करेक्ट आंसर। नहीं सानिका, आप केयरलेस मिस्टेक कर रहे हो। हाँ सुमित, आपका आंसर सही है। प्रथमेश नहीं, मानस नहीं। So let me give some hint by giving some options. So you have say options like 500 ml, 410 ml, 1000 ml, 820 ml. ऑप्शन देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। दैट्स ट्रू। ऑलराइट, सम स्टूडेंट्स हैव गिवन करेक्ट आंसर। अभी भी काफी बच्चों का गलत है। द करेक्ट आंसर इज बी, 410 ml। कैसे, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना। सी, कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन will be moles of
कॉपर टू प्लस, ठीक है, मोल्स ऑफ कॉपर टू प्लस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन लीटर्स, राइट. अब यहां पर द थिंग इज दैट मोल्स ऑफ कॉपर टू प्लस कहाँ से आने वाले हैं, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्ट से, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से आने वाला है, सो यहां पर एडेड वाटर प्लस द वाटर ऑफ हाइड्रेशन प्रेजेंट इन सॉल्ट, ये एक्चुअली यहाँ पर कैच था. सो दिस इज समथिंग कि ये सॉल्ट के पास भी ऑलरेडी देर इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन. सो स्टार्टिंग में तो लाइक जब आप इसको डिजॉल्व कर दोगे तब ये वाटर भी मिक्स हो जाएगा ना, एंड वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में है. जैसे आप नोट करोगे यहाँ पर मोल्स ऑफ कॉपर टू प्लस कितने रहेंगे, सो लेट मी जूम आउट अ बिट. यहाँ पर आप नोटिस करना मोल्स ऑफ कॉपर टू प्लस रहेंगे 1, राइट. व्हाई? बिकॉज मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O दिया हुआ है 1, राइट. सो दिस मीन्स मोल्स ऑफ कॉपर टू प्लस आयन्स इज 1 एंड मोल्स ऑफ H2O इज 5. मोल्स ऑफ H2O मतलब सॉल्ट के अंदर जो प्रेजेंट है, तो इट मीन्स मास ऑफ H2O इज हाउ मच, 18 × 5, ठीक है, 90 grams हो गया, राइट. एंड बिकॉज वाटर का डेंसिटी 1 gram per ml रहता है, सो दिस विल बी अराउंड 90 ml, ठीक है. तो आप जो यहाँ पर वॉल्यूम ऐड करोगे एक्स्ट्रा वो वी मानो, एंड जो ऑलरेडी वाटर से आ रहा है, जो सॉल्ट से आ रहा है वो 90 ml है, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 liters में आ जाएगा. दिस शुड बी व्हाट 2 molar शुड बी. इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट V is equal to 410 ml, ठीक है. तो ये कैच समझ में आया इस क्वेश्चन में. सिंपल क्वेश्चन था इन द सेंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ही अप्लाई करना है मोलारिटी का, बट देयर इज अ ट्रिक. ठीक है, हाँ वो 90 तो ट्रिक था, ठीक है, जिसका गड़बड़ हुआ. आई होप यू आर एबल टू नाउ अंडरस्टैंड वेयर द मिस्टेक वॉज कमिटेड. ठीक है, मोलारिटी के ऊपर था, सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉट मच डिफिकल्ट. अच्छा, देन हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंटर कन्वर्जन ऑफ मोलारिटी मोलारिटी के ऊपर क्वेश्चंस करे थे, इफ आई रिमेम्बर. लेट मी जस्ट क्विकली चेक. हाँ, ये हमने मोल फ्रैक्शन का भी इंटर कन्वर्जन वाला क्वेश्चन करा था, एंड मैंने बताया था इसमें हमको एक अप्रोच फॉलो करना रहेगा, ठीक है. सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. इन विच मोलारिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन इनके बीच का इंटर कन्वर्जन है, ठीक है. लेट मी नो इफ दिस क्वेश्चन इज समथिंग विच वर्क्स फॉर यू. सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना,
मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज 0.1। ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, then determine molarity and molality of the solution. ये try करके बताओ। एक्वस सॉल्यूशन बोल दिया मतलब सॉल्वेंट वाटर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कैच रहता है। अरे रुद्र, तुम्हें तो आंसर ही रटा हुआ है, तुमने तो बिना सॉल्व किए फटाफट आंसर फेल दिया। बाकी लोगों को भी सॉल्व करने दो। मैंने डेटा चेंज नहीं करा, मान लो मैं डेटा चेंज कर देता तो फिर ट्राई तो करो, खुद से सॉल्व होना चाहिए। For those who have already done this question, they can actually try this one. Okay, in the meantime, जिसने करा हुआ है ना वाला question, वो आप लोग ये वाला question try कर लो। नहीं प्रथमेश मानस, नहीं आपके आंसर्स करेक्ट नहीं है।
हाँ राइट, आई एम ऑन म्यूट अभी, थोड़ा बैकग्राउंड में अजान चल रहा है। नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर आपका सही है प्रथमेश। जलज ऊपर वाले क्वेश्चन का, हाँ मोलारिटी का सही है, मोलारिटी का आई थिंक एक बार डबल चेक करना। नहीं मानस, नॉट करेक्ट। चलो ये पहले वाले का कैसे करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था इसमें वन ऑफ द स्टार्टिंग स्टेप्स वुड बी दैट यू नो स्टार्ट विद द जो भी गिवन कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है, गिवन कंसंट्रेशन टर्म का डिनोमिनेटर कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म टू यू इज मोल फ्रैक्शन, सो व्हाट यू कैन से इज दैट द लेट द टोटल मोल्स बी इक्वल टू वन, ठीक है। वेरिएबल भी रहने दे सकते हो आप, ठीक है, वो भी चलेगा। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये किस तरीके से वर्क करेगा। इफ यू हैव केप्ट द टोटल मोल्स एज वन एंड सिंस मोल फ्रैक्शन इज गिवन टू यू, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 0.1, सो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट मोल्स ऑफ ग्लूकोज विल बी इक्वल टू 0.1, ठीक है, एंड मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट which is water here should be equal to 0.9. This is how it should work. Now, how will we? नहीं अनिश, हाँ जलच आपका आंसर सही है मोलालिटी का। नहीं मानस, एक बार देखो आप कहाँ पे एरर कर रहे हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आप नोटिस करना, स्टेप टू क्या रहता था, जो भी आस्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ठीक है, आस्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, उसके हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पर अलग अलग करके फोकस करते थे। सो लेट्स से यहाँ पर आस्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाज मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी वाज मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो हम अब इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे अलग अलग तरीके से फोकस करेंगे। सो न्यूमरेटर तो सॉर्टेड है ना, मोल्स तो सॉर्टेड है, हमने ऊपर निकाल ही लिया मोल्स ऑफ ग्लूकोज, राइट। चाहिए तो आप इसको कॉपी कर लो यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज वन, सो व्हाट इट मींस इज दैट मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज वन, सॉरी 0.1, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव टेकन टोटल मोल्स एज वन, ठीक है। अब डिनोमिनेटर पे आप फोकस करोगे, डिनोमिनेटर क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है डिनोमिनेटर के लिए 1.2 ग्राम पर एमएल, तो अगर कहीं से मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा तो वो हेल्पफुल रहेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। अब यहाँ पर क्योंकि मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड मोल्स ऑफ वाटर मिल गए हैं तो हमें उनके मास भी मिल जाएंगे, ठीक है। 0.9 इंटू 18 ये मास ऑफ वाटर हो गया एंड 0.1 इंटू 180, ठीक है,
ये मॉलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है, यहीं से आपको ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. यू गेट मास ऑफ सॉल्यूशन एज 16.2 ग्राम्स, राइट, दिस इज व्हाट यू विल गेट. सो यू आर नाउ थ्रू विद द मोलारिटी पार्ट. डेंसिटी एंड मास है तो वॉल्यूम आ जाएगा 16.2 अपॉन 1.2 ml. So you get the molarity. It will be moles of solute upon volume of solution. Right? So ये आ जाएगा 0.1 upon 16.2 × 1.2 × 1000. तो ये आपकी मोलारिटी आ जाएगी, ठीक है. वॉल्यूम को बेसिकली लीटर्स में ले लिया. एंड मोलालिटी पूछेंगे तो मोलालिटी भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया था. मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, 0.9 × 18, राइट, यहीं से ऑब्जर्व कर लिया 16.2 प्लस 18 रहेगा ना, 34.2. हाँ, 16.2 तो सिर्फ उसका था, वाटर का. सो राइट, 34.2 ये रहेगा 16.2 × 1000. दिस इज योर मोलालिटी का आंसर, ठीक है. हाँ, सो दिस इज, एक बार जूम आउट कर देता हूँ मैं. इसमें आप अगर चाहते तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर से भी स्टार्ट कर सकते थे, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, आपका आंसर तब भी आता. द थिंग दैट हेल्प्ड हियर इन अ लिटिल बिट फास्टर कैलकुलेशंस इज द फैक्ट दैट जो गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसका डिनोमिनेटर से स्टार्ट कर देते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस रिलेटिवली आसान हो जाता है, ठीक है. बाकी तो मैंने आपको बताया ही था, इट इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स. ठीक है, ऑल राइट. नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, ये वाला जिसने सॉल्व नहीं किया था, ये वाले क्वेश्चन के ऊपर आप वर्क करो अभी. इसमें देयर विल बी अ रिएक्शन दैट विल बी हैपनिंग बिटवीन द टू. हाँ सानिध्य, आपका आंसर भी सही है, राइट. प्रथमेश ने भी इसका सही आंसर दिया था. इसमें एक या एक से ज्यादा आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है.
नहीं जलज, पूरा आंसर नहीं दिया आपने, पार्शियल आंसर दिया। हाँ राइट अनु। ऑलराइट, सो करेक्ट आंसर इज ए सी एंड डी, दीज आर द करेक्ट आंसर्स, बी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना क्या हो रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट लर्निंग है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो सी मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू दैट लर्निंग विल कम फ्रॉम क्वेश्चंस आल्सो, तो यहाँ पर एक लर्निंग आपके लिए क्या रहेगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना। सो यू हैव द रिएक्शन हेयर सी ए एन ओ थ्री होल ट्वाइस इज रिएक्टिंग विद एन ए सी टू ओ फोर। ठीक है, सोडियम ऑक्सीडेट, ये सब क्या है, सॉल्युबल सॉल्ट है, इनके आगे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्वस ए क्यू। ठीक है, एंड वॉट द फॉर्म इज कैल्शियम ऑक्सीलेट सी ए सी टू ओ फोर, इसके आगे मैं लिख रहा हूँ सॉलिड बिकॉज इट इज अ प्रेसिपिटेट, दिस इज इनसॉल्युबल। ठीक है, इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, आप नोटिस करना। सॉरी एन ए एन ओ थ्री टू एन ए एन ओ थ्री एक्वस, ये आपका रिएक्शन रहेगा। ठीक है, सो कपल ऑफ लर्निंग्स इन दिस क्वेश्चन, वन लर्निंग इज दैट यू शुडंट डू द एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर ऐसे 0.06 0.06 लिखकर एनालिसिस शुरू मत कर देना। ठीक है, सो डोंट एनालाइज इन कॉन्सेंट्रेशन। किसमें एनालिसिस करते हैं हम, मैंने आपको बोला है मोल्स में, राइट। तो यहाँ पर इस चीज के 6 मिलीमोल्स हैं, आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, एंड सोडियम ऑक्सीलेट के आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिलीमोल्स है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू स्टार्ट विद। ठीक है, अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, एज यू कैन क्लियरली सी। ठीक है, सोडियम ऑक्सीलेट लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, एंड डेफिनेटली डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा साथ में, क्यों, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट विल बी एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, अब हमने क्या सीखा है, इन केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज कंज्यूम्ड कम्प्लीटली, तो इसके 3 के 3 मोल्स पूरे खत्म हो जाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट के, एंड में 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो क्योंकि दोनों का कोफिशेंट 1 है, तो इसके 3 मोल्स कंज्यूम होंगे, इसके 3 मोल्स प्रोड्यूस होंगे, और इसके 3 मोल्स रिड्यूस हो जाएंगे, सॉरी 6 मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे एन ए एन ओ थ्री के, राइट, इफ यू लुक एट द कोएफिशिएंट्स। सो इन द एंड यू हैव 3 मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, 3 मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट एंड 6 मिलीमोल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आप वापस से यहाँ पर नोटिस करना, इसी क्वेश्चन से लर्निंग आएगी आपकी, दैट दिस इज इनसॉल्युबल। ठीक है, डोंट काउंट इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में इनसॉल्युबल स्पीशीज को काउंट नहीं करते हैं। तो अगर अब आप मुझसे कैल्शियम 2+ का कॉन्सेंट्रेशन पूछोगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली जो मिलीमोल्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, जस्ट कैल्शियम नाइट्रेट से। ठीक है, जो ये कैल्शियम ऑक्सीलेट वाला पार्ट है इसको आपको कट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल। ठीक है, यहां से मत लेके आना, एंड डेफिनेटली टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इसमें भी केयरलेस मिस्टेक मत करना, ये वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग यूज करना रहेगा। ठीक है, सो यू विल गेट 3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम,
100 plus 50, 150. This will be your answer. ठीक है, अभी समझ में आया आनंद, why is B option incorrect? क्योंकि अगर आप कैल्शियम ऑक्सीलेट भी लेते तो फिर बी ऑप्शन आप करेक्ट बोल देते. एक्चुअली तब भी करेक्ट नहीं होता बी ऑप्शन, बट ठीक है. Is this clear? Why did I take 6 millimoles of calcium nitrate? क्योंकि volume दिया हुआ है ना, volume into molarity is millimoles ना. यहाँ पर आप notice करोगे, ये आपको 100 ml दिया हुआ है ना, ये 100 ml दिया है, ये 50 ml दिया है, तो molarity into volume इनसे ही तो हमारा मिलीमोल्स आते हैं. है कि नहीं? ठीक है, ऑल राइट, ग्रेट. चलो एक आध क्वेश्चन और करता हूँ मैं, एंड इसमें नोटिस करना. सो वैसे तो इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट काम नहीं आता है, बट फ्यूचर चैप्टर्स में कई बार आ सकता है. यहाँ पर देखना, मोलारिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस. ठीक है, मोलारिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस किस तरीके से रहेगा. हम लोगों ने तो अभी तक कैसा है, मोलारिटी ऑफ समथिंग सॉल्यूशन का डिस्कशन किया है, बट समटाइम्स मोलारिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस गेट्स आल्सो यूज्ड. ठीक है, वो फ्यूचर में कहाँ पर आएगा, इट विल कम इन अ चैप्टर कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, थोड़ा लेट आएगा बट मैं बताऊंगा कहाँ पर आएगा वो यूज. तो इसमें किस तरीके से आपको इस टॉपिक को समझना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना. आई विल गिव कपल ऑफ एग्जांपल्स. सो आपके सामने क्वेश्चन है, डिटरमाइन मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर गिवन इट्स डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml. ठीक है, इस तरीके से मान लो आपके सामने क्वेश्चन है, तो अब आप कैसे इसको अप्रोच करोगे. ठीक है, यू विल से लेट द वॉल्यूम बी 1 लीटर. ठीक है, सिंस डेंसिटी इज गिवन टू यू एज 1 ग्राम पर ml, सो दिस इम्प्लाइज मास ऑफ H2O विल बी 1000 ग्राम्स and moles of H2O will be 1000 divided by the molecular weight. What is the molecular weight of water? 18, right? Thus, if I use the definition of molarity of water, it will be moles of H2O upon volume in liters. So 1000 by 18 upon 1, or you can say 55.56. molar. So this is something of a concept which right now would be something a little weird or uncomfortable to you, but future mein
कैसा होगा समटाइम्स यू नो व्हेन रिएक्शंस टेक प्लेस इन एक्वस फेज, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर ऊपर ही रिएक्शन देखा, ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा कि एक्वस फेज में रिएक्शन हो रहा है. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट इन सच रिएक्शंस वाटर ऑल्सो पार्टिसिपेट्स. तो वाटर ऑल्सो एक्ट्स एज अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट स्पीशीज विद इन द सोल्यूशन. तो व्हेन दैट हैपेंस देन वी ट्रीट वाटर ऑल्सो एज अ रिएक्शन स्पीशीज एंड ट्राई टू इंक्लूड इट इन द कैलकुलेशंस, ठीक है. एंड वो कब कैसे रेलिवेंट रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा. अभी के लिए जस्ट नोटिस दैट इफ मोलैरिटी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर टू बी डिफाइंड तो वो किस तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं. एक एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ, आप खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का. अर्पित, नॉर्मैलिटी इस चैप्टर में रहने दो. यू माइट कम अक्रॉस इन सम क्वेश्चन समवेयर नॉर्मैलिटी टर्म. अभी लेट इट बी, इट इज समथिंग विच रिक्वायर्स अनदर चैप्टर का नॉलेज. हाँ सानिध्य, जस्ट प्योर वाटर, ठीक है. लावण्या, मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, एक और क्वेश्चन कराता हूँ, तो उसमें आप देखना, यू विल बी एबल टू रीलर्न दिस टॉपिक, रीलर्न दिस कॉन्सेप्ट. हाँ अनु, इसमें डेंसिटी देना पड़ेगा. जैसे लेट्स से इफ आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, डिटरमाइन मोलैरिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू 0.8 ग्राम पर ml, ठीक है, ये मैंने आपको दिया हुआ है, ट्राई करो. इथेनॉल तो पता है ना आपको क्या होता है, C2H5OH, है ना, ट्राई करो. राइट, करेक्ट, जलद साने का करेक्ट आंसर्स हैं आपके. राइट, सेम अप्रोच से गए जैसे मैंने ऊपर बोला, लेट द वॉल्यूम बी 1 लीटर, ठीक है, एंड बिकॉज डेंसिटी आपको दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर ml, सो यू गॉट दैट मास ऑफ इथेनॉल, जस्ट प्योर इथेनॉल वुड बी 800 grams. सो मोल्स अगर कोई आपसे पूछेगा, so you just divide this value by the molecular weight, and molecular weight of ethanol is 46, है ना, तो अब आपका molarity आ जाएगा. thus molarity of ethanol, pure ethanol would be 800/46 upon volume, हमने 1 liter लिया है, तो ये roughly 17.4 molar आ जाएगा. ठीक, 46 कैसे, मतलब C2H5OH है ना, अरे दो कार्बन, दो इंटू 12 24, 24 प्लस 16 40, 40 प्लस 6 46,
कितने कितने स्टूडेंट्स को हिंदी में काउंटिंग आती है हमारे बीच, लाइक सारे एक से, 1 से लेकर 100 तक। जैसे मैं 46 बोलूंगा तो 46 ये क्या है अनु, मतलब टिल 20, 20 तो बहुत ही लो टारगेट हो गया। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं आप लोगों का बीच बीच में रिवीजन कराऊंगा। इट्स ओके, आई विल डेलिबरेटली गिव सम डेटा पॉइंट्स इन शुद्ध हिंदी, डोंट वरी। ऑल राइट, सो ये समझ में आया आप लोगों को इथेनॉल का कैसे निकाला? ठीक है, सो दिस वाज मोलारिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म बता देता हूँ। हम लोगों ने मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन देख लिया था, ठीक है? तो अब थोड़े से परसेंटेज बेस्ड, ठीक है, परसेंटेज बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑब्जर्व करना। एंड इसमें लेट मी टॉक अबाउट, देर आर 3 परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड टर्म्स। सो एक परसेंटेज वेट बाय वेट है, ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पर ऑब्जर्व करना। परसेंटेज वेट बाय वेट विल बी डिफाइंड एज मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सल्यूशन इनटू 100%, ठीक है? डेफिनेटली जो यूनिट ऊपर ले रहे हो वही नीचे लेना। ऊपर अगर ग्राम्स में ले रहे हो तो नीचे भी ग्राम्स में ही लेना, या ऊपर किलोग्राम्स में ले रहे हो तो नीचे भी किलोग्राम्स में ही लेना। देन देयर इज समटाइम्स परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सो दिस विल बी मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, इसमें यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना, दिस हैज टू बी इन ग्राम्स, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन, एंड दिस हैज टू बी इन ml, इनटू 100%, ठीक है? तो इसमें ये यूनिट्स का ध्यान रखना, रैंडम यूनिट्स नहीं चलेंगी, या फिर ऊपर केजी में ले लो तो नीचे लीटर में चल जाएगा, ठीक है, बट यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। देन समटाइम्स यू ऑल्सो हैव परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, दिस इज वेरी लेस यूज्ड। ये एक्चुअली लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन के केस में काम आता है, जब लिक्विड सोल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट होते हैं, तो ये एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100% रहता है, ठीक है? तो इसमें जो भी यूनिट्स वॉल्यूम के ऊपर लोगे वही यूनिट्स नीचे भी ले लेना। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक दो क्वेश्चंस कराता हूँ इसमें प्रैक्टिस, जहां पर यू विल हैव टू सिंपली अप्लाई दीज फॉर्मूलाज। इट इज अगेन सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन बिफोर। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल।
एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहेगा, ठीक है. सो सी यू हैव 3 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है, और यू कैन से एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, 3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया. यूरिया का वैसे तो आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए, बट नहीं याद है तो मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, NH2CO NH2, ठीक है, हैज डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है. डिटरमाइन इट्स मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ यूरिया एक्चुअली इन द सॉल्यूशन. ठीक है, ट्राई करो. सिमिलर अप्रोच फॉलो करनी है. स्टार्ट विद द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म. सो गिवन कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मोलारिटी, उसका डिनोमिनेटर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो यू कैन स्टार्ट बाय सेइंग लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 लीटर, ठीक है. वेरिएबल भी ले सकते हो, सेम ही आंसर आएगा. स्टार्ट विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 लीटर एंड देन ट्राई टू फिगर आउट इन्फॉर्मेशन. आदित्य, आप मुझे अलग से मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर, आई विल सेंड यू द लिंक टू ज्वाइन द ग्रुप. श्रेयस कहाँ रह गए, मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं. ठीक है, अरे ग्रुप पे लिंक मैंने तो भेजा है आज की मीटिंग का, मतलब आज के जूम सेशन का, वही मेरा नंबर है. फोन रीसेट हो गया है तो पहले अपने आप को ऑफिशियल ग्रुप पे ऐड करो भाई, ऐसे तुम्हारे नोटिफिकेशंस मिस हो जाएंगे. कॉल अप योर सेंटर काउंसलर और योर सेंटर हेड एंड आस्क देम टू जॉइन यू बैक इन द ऑफिशियल ग्रुप्स. हाँ तो बस फिर अब वहाँ पे मैं मिल जाऊँगा तुमको. हाँ हाँ आई थिंक आंसर्स काफी स्टूडेंट्स के करेक्ट ही आ रहे हैं. ठीक है, मैं आंसर बता देता हूँ एक बार. आंसर वुड बी मोलालिटी, इस केस में आता है कुछ 2.5 नहीं 3 divided by 1.02 मोल फ्रैक्शन. थोड़ा सा और वियर्ड रहेगा, इट विल बी 3/3 + 1020/18
परसेंटेज वेट बाय वेट ये 18% आएगा एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ये 15% आएगा. दीज आर योर करेक्ट आंसर्स. ठीक है, या आई थिंक उल्टा कर दिया मैंने. परसेंटेज वेट बाय वेट 15% है. हाँ राइट, ये 15 है और ये 18 है. राइट, तो इसमें कैसे करेंगे, जैसे भाई मैंने बताया आपको, लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 लीटर, है ना, एंड यहां पर अब आप देखना, सिंस मोलारिटी इज गिवन टू यू एज 3 मोलर, तो यहां से आपका आ जाएगा मोल्स ऑफ यूरिया is molarity into volume, that is 3. ठीक है, now also observe करना, because density of solution आपको दिया हुआ है 1.2 gram per ml, so mass of solution आपका आ जाएगा volume and density को multiply करके 1200 grams, right, and this has to be mass of water plus mass of urea. How much will be the mass of urea? As you can see from the moles, this will be 3 into iska molecular weight 60 rehta hai urea ka. So you get mass of H2O as 1020 grams or 1.02 kg, right? So mola, ab sare answers flow karne lag jayenge. Molality will be moles upon mass of solvent in kg, right? Mole fraction kya ho jayega? Mole fraction will be moles of urea upon moles of urea plus moles of water. Theek hai? Percentage weight by weight kitna ho jayega? Mass of urea, right? 3 into 60, 3 into 60 ye mass of urea ho jayega upon mass of solution hum logon ne nikala hi tha, 1200 grams into 100%, right? Percentage weight by volume will be same mass of urea upon volume of solution in ml. So this will be your answer. Okay. So pretty straightforward. Okay, ये वाले questions अब आपसे बन जाने चाहिए. ठीक है, सो इस तरीके से यू कम अक्रॉस दीज क्वेश्चंस, ये आपसे हो जाएंगे. अच्छा, समटाइम्स देयर इज अ डाउट आल्सो व्हिच कम्स इन द माइंड्स ऑफ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स व्हाइल वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस. ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ. ठीक है, इसमें एक कॉमन, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू यू नो गेट मी द आंसर, तो आ ही जाएगा आपका. ठीक है, आंसर आ जाता है तो अच्छी बात है, बट उसके अलावा एक कॉन्सेप्चुअल डाउट भी आता है कई स्टूडेंट्स को. ठीक है, लेट्स सी अगर आप लोगों को भी वही आता है तो. सो क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द मोलालिटी of resultant solution formed by mixing equal volume of 20% weight by weight
NaOH solution of density 1.2 gram per ml and say 25% weight by weight NaOH solution of density 1.44 gram per ml. ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर रहा हूँ मैं एंड मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसका मोलालिटी मुझे बताओ. नहीं मानस, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दिया, डबल चेक करो. मिक्सिंग हो रही है ना, वॉल्यूम डबल हो जाएगी. वैष्णव क्लोज है बट आई थिंक स्टिल कुछ एरर है. नहीं सानिध्य, नहीं साने का.
सो मैं इसमें आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? आई थिंक यू गाइज आर कमिंग अक्रॉस दैट प्रॉब्लम, ठीक है? सो यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना, लेट्स एनालाइज वन ऑफ द गिवन सॉल्यूशंस टू अस. सो दिस सॉल्यूशन इज 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, ठीक है? एंड इसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है? अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि इक्वल वॉल्यूम्स मिक्स कर रहे हैं दोनों के, ठीक है? सो लेट्स से द वॉल्यूम वी टेक हेयर इज 100 ml, ठीक है? इफ रिक्वायर्ड यू कैन टेक वेरिएबल ऑल्सो, आई डोंट माइंड, ठीक है? या आपको 1000 ml लेना है तो आप 1000 ml भी ले सकते हो, दैट्स ऑल्सो ओके. नाउ अब ये कैसा दिखेगा यहां पर आप नोटिस करना. बिकॉज वॉल्यूम एंड डेंसिटी है, ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका आ जाएगा 1.2 × 100, दैट इज 120 ग्राम्स. नाउ आउट ऑफ दैट 120 ग्राम्स आपको दिया जा रहा है दैट 20% इज NaOH एंड 80% इज वाटर. सो दिस इम्प्लाइज मास ऑफ NaOH इज 24 ग्राम्स एंड मास ऑफ H2O इज 96 ग्राम्स, ठीक है? नाउ यहाँ तक सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है. व्हाट कम्स एज अ डाउट, ठीक है, एज अ क्वेश्चन इज द फैक्ट दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml, बट इफ यू नोटिस वाटर मास ऑफ H2O इज 96 ग्राम्स एंड वॉल्यूम ऑफ H2O इफ यू वुड नोटिस दैट हैज टू बी 96 ml. व्हाई? बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर, प्योर वाटर इज 1 ग्राम पर ml, ठीक है? तो ये दोनों पॉइंट्स आपके दिमाग में एक कॉन्ट्रडिक्शन प्रोड्यूस करेंगे कि ये कैसे गड़बड़, ये क्या गड़बड़ हो गई. हाउ आर दीज टू डेटा पॉइंट्स टू बी रिकनसाइल्ड, राइट? ऐसा कुछ डाउट आपके दिमाग में आया? कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मैंने 100 ml माना था, ठीक है, बट उससे जब मैं जो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में उससे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मास ऑफ H2O 96 ग्राम्स आया एंड दैट 96 ग्राम्स शुड करस्पॉन्ड टू 96 ml ओनली. तो फिर ये 100 ml और 96 ml कैसे रिकनसाइल करेंगे? तो यहाँ पर आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, इसका जो रेजोल्यूशन होता है इज एक्चुअली नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है? आई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड द रेजोल्यूशन फॉर दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जैसा कुछ होता है, ठीक है? देयर इज नथिंग लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है? समटाइम्स व्हेन सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, ठीक है, वॉल्यूम्स कैन डिक्रीज और इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस, ठीक है? जैसे
फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है जब आप इथेनॉल ठीक है एंड वाटर को मिलाते हो, ठीक है, मान लो ये आपने V1 ml मिलाया, ये V2 ml मिलाया, जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा ठीक है उसका वॉल्यूम कैन एक्चुअली कम ग्रेटर देन V1 + V2, ठीक है, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन. अब ये क्या होता है, दिस इज नॉट समथिंग विच इज टू बी डिस्कस इन दिस चैप्टर, ठीक है, ये आप 12th क्लास में आइडियल सोल्यूशंस नॉन आइडियल सोल्यूशंस का डिस्कशन करते हो तब आपको ये चीज बताएंगे. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इज दैट वॉल्यूम कंजर्व करना इजंट सेंसिबल ऑलवेज, ठीक है. अभी आप नोटिस करोगे इसके पहले हमने बहुत बार क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने बहुत बार क्वेश्चंस करे हैं जहाँ पे मैंने वॉल्यूम सिंपली ऐड कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में ही इफ यू रिमेम्बर ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे, लेट्स से खूब सारी चीज़ों को मिला दिया था, हाँ राइट, दिस वन क्वेश्चन. तो इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि अभी हमें 100, 150, 750 इन तीनों को डिनोमिनेटर में ऐड कर दो और वही हमारा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, राइट. इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ठीक है. व्हाट हैपेंस प्रैक्टिकली इज समटाइम्स दैट वॉल्यूम चेंजेस बिकॉज ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस. तो जहां पर आपके पास में चॉइस हो, ठीक है, व्हाट टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑन मास और वॉल्यूम, यू शुड ऑलवेज अप्लाई योर कंजर्वेशन ऑन मास, ठीक है, नॉट ऑन वॉल्यूम, ठीक है. तो यहां पर मैं इसी क्वेश्चन को अगर पूरा करके आपको दिखाऊं यहां पर, ठीक है, तो ये पहला वाला सोल्यूशन था आपका. इसी तरीके से आपके पास में दूसरा सोल्यूशन भी रहेगा, ठीक है. दूसरे सोल्यूशन के बारे में क्या बोला जा रहा है, 25% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन एंड डेंसिटी उसकी बोली जा रही है 1.44 ग्राम पर ml, राइट. सो इफ यू टेक इक्वल वॉल्यूम से 100 ml, तो इसमें कैसा रहेगा, मास ऑफ सोल्यूशन विल बी 1.44 × 100, दैट इज 144 grams, and in the same way that we did on the left hand side, 25% and 75% will be NaOH and water respectively. So you get mass of NaOH kitna ho jayega, 144 ka 40% 25% 36 grams, एंड यहाँ पर मास ऑफ H2 आ जाएगा 108 grams, ठीक है. तो जब आप इनको मिक्स कर दोगे, ठीक है, व्हेन यू मिक्स बोथ ऑफ दीज व्हाट हैपेंस इज दैट द मास आर कंजर्व्ड, ठीक है. सो इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन मास ऑफ NaOH विल बी 24 + 36, दैट इज 60 grams, ठीक है. मास ऑफ H2O would be 96 + 108, that is 204 grams. So अगर आप मुझसे molality पूछोगे तो it will be moles of NaOH, ठीक है, moles of NaOH which will be 60/40, mass divided by molecular weight upon 0.204, mass of solvent in kg. तो ये रफली 7.5 मोलल आ जाएगा, ठीक है. ये वॉल्यूम वाला डाउट कई बार स्ट्राइक करता है जो स्टूडेंट्स समटाइम्स वाटर को लेकर
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं जूम आउट कर देता हूँ एक बार, देखना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये समझ में आया आपको? कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया मानस? ये कैलकुलेशन वाला पार्ट या जो मैंने नीचे डाउट डिस्कस करा वो वाला पार्ट? यहाँ पर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मास कंजर्व होगा ना? तो यहाँ से जो NaOH आया उसका मास ऐड कर दिया, यहाँ से जो H2 आया उसका मास ऐड कर दिया, मुझे फाइनल सॉल्यूशन के बारे में पता पड़ गया। ठीक है, जो डाउट था वो मैं ये कहना चाह रहा था कि समटाइम्स लाइक सच डाउट पॉप्स अप, यू नो दैट वॉल्यूम ऑफ H2O डजंट रिकनसाइल विद द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर कुड बी सर्टेन डेविएशंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको वो नहीं समझने की जरूरत है कि ये वाला एग्जांपल है ना, छोड़ दो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट रेलेवेंट राइट नाउ। जस्ट कीप इन माइंड दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हाँ वॉल्यूम 1 लीटर लोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। राइट, ठीक है, ऑल राइट, देन लेट मी जस्ट टॉक अबाउट वन मोर टर्म विच समटाइम्स पॉप्स अप इन क्वेश्चंस हियर एंड देयर। इट इज कॉल्ड
पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, ऐसे PPM ये आपने सुना होगा, ठीक है. इनफैक्ट लास्ट टाइम PPM केम इनटू हाईलाइट व्हेन मैगी के अंदर लेड मिला था, तब इट बिकेम मैटर ऑफ नेशनल न्यूज. तो पीबी जो लेड का अमाउंट था, इट वाज इन सच अ स्मॉल क्वांटिटी दैट इट हैड टू बी डिस्क्राइब्ड इन PPMs, एंड स्टिल even that small quantity was considered to be harmful. हाँ, pollutions के बारे में भी आप जब देखते हो तो PPM is just another concentration term. So PPM concentration of a solute is defined as mass of solute, ठीक है, upon mass of solution into 10 raised to the power of 6, ठीक है. That is how it is simply defined. You might also come across sometimes PPB, अगर और भी छोटी क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट है, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, तो इसमें कैसा हो जाएगा, PPB कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट would be written as mass of solute upon mass of solution into 10 raised to the power of 9. Right. So this is also sometimes used, मतलब जैसे water में pollution है या air में pollution है, तो उसमें जो pollutants का amount है उसको describe करने के लिए भी कई बार use करा जाता है. ठीक है, you might 10 raised to the power of 9 है, billion, billion is 9 zeros ना, 10 raised to the power of 9, million के अंदर 6 zeros होते हैं, so वहाँ पर 10 की power 6 था, so this is also something which you come across sometimes while doing questions, ठीक है, so yeah, I think we have covered the topics, the relevant topics in this chapter. अब आप लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करो. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज टुडे आई विल शेयर सर्टेन डीपीपीज ऑन द ग्रुप, एंड दोज आर टाइम बेस्ड, मतलब उसमें आप एक्चुअली टाइम्ड मैनर में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, एंड इंश्योर दैट दोज डीपीपीज आर समथिंग दैट यू टेक केयर बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ठीक है. देन जो बचा हुआ पार्ट है बुकलेट का, ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. जितना होमवर्क मैंने दे दिया वो तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है, बट जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में वैसे तो होमवर्क आपको कुछ मिला नहीं है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने थोड़े क्वेश्चंस और खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे. सो कंप्लीट द राइट भार्गव, स्टेप ऐप भी आप लोग कंप्लीट कर लो. इफ यू हैव नॉट फिनिश्ड द टॉपिक फ्रॉम स्टेप ऐप, डू इंश्योर यू विल बी फॉलोड अप ऑन रिगार्डिंग दैट. ठीक है, बुकलेट के, हाँ बुकलेट के आप लोगों को जैसे डीपीपीज में तो एक्चुअली सॉल्यूशंस डीपीपी के नीचे ही मेंशनड है, ठीक है, रिटन फॉर्म में, तो उसमें आई थिंक इतनी दिक्कत नहीं आएगी. एक आध दो क्वेश्चंस रहेंगे डाउट के तो डेफिनेटली हम लोग डिस्कस कर लेंगे, एंड जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ बुकलेट है राइट, उसका रिटन सॉल्यूशंस वैसे आपको आई थिंक पेज की वेबसाइट पर रहते हैं,
बुकलेट के सॉल्यूशंस, यू माइट फाइंड देम ऑन द वेबसाइट. एग्जैक्टली कहाँ पर है वो थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है उसमें. मतलब देर इज सम स्टूडेंट सेक्शन जिसके अंदर यू हैव टू लॉग इन, कुछ ऐसा पेस रिजल्ट्स और पेस रिजल्ट्स 1234 करके ऐसा कुछ पासवर्ड भी होता है उसका, मुझे भी याद नहीं है. बट इट्स अ वेरी कॉमनली नोन थिंग. मतलब आप लोग पूछो कि अगर अपने काउंसलर्स से या सेंटर हेड से, तो आपको बता देंगे कि पेस की वेबसाइट के ऊपर ही आपको बुकलेट के सॉल्यूशंस का एक्सेस रहता है. ठीक है, नाउ स्टेप ऐप में तो आप लोग पूरा मूल कंसेप्ट चैप्टर खत्म कर लो. ठीक है, एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग के कुछ आइलैंड्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो. एटॉमिक स्ट्रक्चर में वैसे तो हम लोगों ने अभी न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट नहीं करा है, बट हाँ, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट डूइंग द न्यूमेरिकल्स, एंड फिर मैं उससे भी आपको बुकलेट का होमवर्क देना शुरू कर दूंगा. हाँ हाँ राइट, ये वैष्णव ने लिंक भेजा है, लेट मी सेंड इट टू एवरीवन. थैंक्स वैष्णव. अरे यार कॉपी नहीं हो पाएगा क्या? लेट मी क्लिक ऑन इट देन, शायद फिर कॉपी होगा. हाँ राइट, ये मैंने लिंक भेजा है, इसमें आपको बुकलेट के सॉल्यूशंस एंड ऑल मिलेंगे. इसका यूजर नेम आई थिंक पेस रिजल्ट्स और पासवर्ड पेस रिजल्ट्स 1234, एवरीथिंग इन स्मॉल. ठीक है, तो इसमें आपको बुकलेट के रिटर्न सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे. हाँ नहीं सुरावी, आपने मोल कंसेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया है, तो फिर अब आप स्टेप ऐप पर आगे मत जाओ. स्टेप ऐप पर यू बिगिन व्हेन द नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट्स. बाकी आप फिर थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, से फ्रॉम नरेंद्र अवस्थी बुक, वहां से आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करो. ठीक है, मैं एक दो असाइनमेंट भी भेज दूंगा जो थोड़े से ट्रिकी रहेंगे, डिफिकल्ट रहेंगे. पासवर्ड वॉज पेस रिजल्ट 1234 या 123 है शायद, जस्ट एक बार देख लेना ट्राई करके. आई थिंक 1234 शुड वर्क. हाँ तो इसके अंदर आपको बुकलेट के सॉल्यूशंस मिलेंगे. ठीक है, ऑल राइट. यूजर नेम वॉज पेस रिजल्ट्स, PACERESULTS. ठीक है, सी टिपिकली वन ऑफ द थिंग्स विच आई वुड आल्सो वांट टू टॉक अबाउट, जब आप लोग बुकलेट सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हो उनके, ठीक है, डोंट इमीडिएटली रश टू द सॉल्यूशंस. आइडियली व्हाट शुड हैपन इज, मतलब सी हम लोग जब पढ़ते थे तब देयर वाज नथिंग लाइक सॉल्यूशंस. मतलब हम लोगों को तो जानकर मतलब एक्सेस था ही नहीं सॉल्यूशंस का. And I always think that helped us to struggle more with questions. We used to discuss with each other. We used to, you know, fight it out. एक बार खुद से गलत हो गया, answer match नहीं करा, तो identify करने की कोशिश करते थे कि हमने mistake कहाँ पर करी. So all those things and definitely उसमें actually, you know, friends के साथ में discuss करने में बहुत help होता था.
तो इन द ऑफलाइन मोड आई जनरली डू नॉट शेयर सच सॉल्यूशंस, जैसे मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ. आई जनरली डू नॉट एनकरेज स्टूडेंट्स टू इमिजिएटली गो टू द सॉल्यूशंस, बिकॉज इट बिकम्स लाइक अ हैबिट, इट बिकम्स लाइक अ शॉर्टकट. एक अटेम्प्ट किया, नहीं आंसर मैच किया, अरे फटाफट देख लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, राइट. हाउएवर द बेस्ट अप्रोच इज टू थोड़ा स्ट्रगल करना है उसके साथ में, ठीक है. अब बिकॉज वी आर वर्किंग विद अ लिमिटेशन दैट वी कांट डिस्कस अमंगस्ट ईच अदर अलॉट, तो योर लर्निंग काइंड ऑफ थोड़ी सी गायब सी हो गई है इन दिस ऑनलाइन मैनर. तो दैट इज व्हाई आई हैव मेड दोज एक्सप्लेनेशंस एंड दे समटाइम्स आर यूजफुल, बट डोंट गेट मच यूज टू देम, ठीक है. थोड़ा सा स्ट्रगल करो एंड डेफिनेटली डाउट तो सॉल्व होएगा ही सही. ऐसा नहीं है कि डाउट डाउट रह जाएगा, डेफिनेटली सॉल्व होगा, बट वो आपकी प्रोएक्टिवनेस पे डिपेंड करेगा कितना आप प्रोएक्टिवली उस डाउट को डिस्कस करके सॉल्व करना चाह रहे हो, ठीक है. सो वी आर डन विद मोल कंसेप्ट एज अ चैप्टर. आई विल शेयर सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विच आर टाइम बेस्ड ऑन अ लाइटर साइड. डू इंश्योर दैट यू वर्क ऑन देम. उसमें कॉन्सेप्चुअली यू शुड बी एबल टू गेट मोस्ट ऑफ देम. टाइमली मैनर में अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, देन यू आर गुड ऑन बोथ द फ्रंट्स, कॉन्सेप्ट एज वेल एज टाइमलीनेस. अपार्ट फ्रॉम दैट, बुकलेट का बचा हुआ पोर्शन, बुकलेट के बचे हुए क्वेश्चन शुड बी योर नेक्स्ट प्रायोरिटी, विच यू शुड ट्राई टू कवर इन द अपकमिंग वीक और सो. वी विल कीप अ सेशन टू डिस्कस डाउट्स फ्रॉम दैट एज वेल, ठीक है. जो थोड़े से ट्रिकी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे उनके लिए आई डेफिनेटली कीप अ सेशन. अच्छा, अटोमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अटोमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ाऊंगा एंड उसमें विल नाउ स्टार्ट इन टू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ इट एज वेल, ठीक है. सो ग्रेट, आई थिंक लेट्स क्लोज द लेक्चर फॉर द डे. कुछ और क्वेश्चन डाउट्स हैं आप लोगों के, समथिंग यू वांट टू आस्क? ऑल राइट देन, चलो, थैंक यू गाइस. मानस मतलब एक एडवांस्ड का भी बैच है जहां पर क्लासेस चल रहे हैं, मतलब बट वहां पे मूल कंसेप्ट खत्म हो गया है, वहां पे भी एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है अब. सो अभी आई एम नॉट retaking mole concept in other batches. ठीक है, ऑल राइट गाइज, गुड बाय, टेक केयर.